झांसी के अस्पताल में हुई दुर्घटना के बाद आजमगढ़ जिले में संचालित प्राइवेट अस्पतालों की बात छोड़िए, सरकारी अस्पतालों में भी आग से बचाव के संसाधन पर्याप्त नहीं है। ऐसे में अगर इन अस्पतालों में आगजनी की घटना किसी वजह से होती है तो काफी जनहानि की प्रबल संभावना है। मंडली अस्पताल में प्रतिदिन 1000 के करीब और उनके तीमारदार इलाज के लिए पहुँचते हैं। लगभग 600 की संख्या में मरीज विभिन्न रोगों के इलाज के लिए अलग अलग वार्डों में भर्ती भी रहते हैं और यही हाल जिला महिला अस्पताल का भी है। महिला अस्पताल में बच्चों के लिए NICU और मदर केयर यूनिट भी बनाई गई है जिसमें नवजातों को भर्ती किया जाना है। इस दोनों अस्पतालों में सालों से फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने का कार्य UPCLDF द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अगर स्थिति देखें तो अभी तक दोनों अस्पतालों में मात्र 50% ही कार्य पूरा हो सका है, जबकि दिसंबर 2024 में ही इस कार्य को पूरा करना है। मंडली जिला चिकित्सालय में 3.2 करोड़ की लागत से फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। इसकी पहली किस्त 1.65 करोड़ रुपए जारी हो चुकी है, इसमें से 1.35 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, 50% काम पूरा किया जा चुका है। वहीं जिला महिला अस्पताल के लिए 2.23 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष शासन की ओर से 1.11 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई। कार्यदायी संस्था द्वारा 0.89 करोड़ रुपए खर्च कर 47% काम कराया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा दूसरी किश्त की डिमांड की गई है। जिला महिला अस्पताल के CMS डॉक्टर विनय सिंह यादव ने बताया कि दोनों अस्पतालों में UPCLDF द्वारा कार्य कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था के पास काम बहुत है, वो कुछ दिन यहाँ काम कराती है तो कुछ दिन दूसरी जगह कराती है। उनकी ओर से अस्पताल की सुरक्षा के लिए 68 ABC सिलेंडर और लिक्विड सिलेंडर लगाए जा रहे हैं ताकि आगे के दौरान बचाव किया जा सके। झांसी में घटना हुई है, उसको देखते हुए आज इंस्पेक्शन किया गया है और रियलिटी चेक किया गया है, इसमें कई सारी असुविधाएं देखने को मिली हैं। सर, क्या कहना है? जिला महिला चिकित्सालय में फायर सेफ्टी की मुकम्मल व्यवस्था का प्रोसेस चल रहा है, आप लोग देखे होंगे करीब करीब पूरे हॉस्पिटल में पाइप्स लग गए हैं, सेंसर लग गए हैं, प्रक्रिया में है और UPCLDF उसको काम कर रही है